जैसे ही बाबा राम रहीम के मामले को लेकर फैसला आना था उसी को देखते हुए प्रशासन द्वारा एक बार फिर शहर में कर्फ्यू लगाने के हुक्म दे दिए गए, जिसको देखते हुए पूरा शहर बंद करवा दिया गया और पुलिस व पैरामिलिट्री शहर में लगातार फ्लैग मार्च कर लोगों को घरों में रहने की अपील करते हुए नजर आए। आइए आपको दिखाते हैं कि राजपुरा शहर में इस मामले को लेकर क्या हालात नजर आए। जी हाँ, आप देख रहे हैं ये राजपुरा के बाजार हैं जो पूरी तरह बंद करवा दिए गए हैं और शहर में सन्नाटा साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ऐसा बंद शायद ही आज की पीढ़ी को देखने को मिला हो। जी हाँ, इस बंद का असर राजपुरा के कई मंदिरों सहित शहर में हो रहे गणेश उत्सवों पर भी देखने को मिला। वैसे पिछले साल पूरे मार्केट में जैसे हर भगत अपने गणेश पूजन वाले जितने भी पंडाल में रश पूरा कम से कम 35-30 पंडाल लगते हैं यहाँ राजपुरा में, ऐसे मिनी महाराष्ट्र बोलते हैं। लेकिन इस बार इस माहौल में सारे पंडाल सुनसान पड़े हैं और गणेश भक्त भी ऐसे घबराहट सब में है। अब हम चाहते हैं सब भी शांति बनाए रखे, कोई अफवाह ना फैलाए, अपने बाबा के जितने भी अपने गणेश भक्त हैं आके अपना दर्शन। आपको ले चलते हैं राजपुरा के रेलवे स्टेशन पर, जहां पर इस बंद के चलते रेलवे यातायात पर भी भारी असर देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में रेल बंद करवा दी गई हैं, जिसके कारण रेलवे स्टेशन पर भी पूरी तरह सन्नाटा नजर आ रहा है। इस मौके पर हमारे संवाददाता दिनेश सचदेवा व ललित कुमार ने राजपुरा के रेलवे स्टेशन मास्टर से विशेष बातचीत की। सर, कितनी गाड़ियाँ निकलती हैं कुल? टोटल 24 घंटे में 88 गाड़ियाँ निकलती हैं। आज कितनी निकली हैं सर? आज 40 निकली अभी तक। तो सर, इसमें आपको रेलवे स्टेशन पर मतलब लगता है अभी यात्री परेशान हो रहे हैं, यातायात प्रभावित हो रहा है इससे? यातायात तो थोड़ा से प्रभावित हो रहा है, काफी यात्रियों को दिक्कत आ रही है। यात्रियों को भी काफी दिक्कत आ रही है। अच्छा, आपको बता दें कि दोपहर 2:30 बजे CBI कोर्ट द्वारा बाबा राम रहीम को 2 मामलों में 20 साल की सजा सुनाई गई और अब कुछ ही दिनों में डेरे का नया मुखी चुना जाना है। राजपुरा से कैमरामैन ललित कुमार के साथ मीडिया पर्सन दिनेश सचदेवा, न्यूज 18।